अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। खुश रहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, हैप्पी रहा करें, बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको भूल जाए। जिस तरह हम लपक से माफ़ी मांगते हैं ना, तो कहते हैं लपक जल्दी से हमें माफ़ कर दे, तो इसीलिए दूसरों को भी फौरन माफ़ कर दिया करें तो बहुत खुश रहेंगे। लेट्स सी, आज जो है यहाँ पर अर्श से सात रंग आ गए, फिर यहाँ ऑफकोर्स आप मेरा एक खूबसूरत सा म्यूज़िक सुनते हैं और फिर मैं कहती हूँ कि रंगों की दुनिया, खूबसूरत दुनिया अल्लाह पाक ने क्रिएशन की, वजूद जन से है तस्वीर कायनात मेरा। मेरे रब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद और बीबी हवा को पैदा किया उनकी पसली से, कि ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, रंगीनियाँ इन दो के साथ और इस औरत के साथ जो है वजूद में आई। बात करूँगी जब रंगीन ज़िंदगी, खूबसूरत जब बात होती है, तो जब अल्लाह पाक ने जो हुस्न दिया है वो औरत को बेनतहा दिया है और उसको हसीन नज़र आना उसका एक फितरी हक भी है और अल्लाह पाक ने भी उसको एक हुस्न की कायनात का खूबसूरत हिस्सा बनाया। आंखें खूबसूरत, खूबसूरत बाल और हर चीज़ अल्लाह पाक ने उसकी बहुत हसीन बनाई और फिर ये क्रिएशन होते होते बहुत कलरफुल हुई और दुनिया आगे बढ़ी और कलरफुल हुई और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और फिर क्या हुआ, यस फिर सैलून खुलना शुरू हुए और ब्यूटीशियन आने शुरू हुई और ब्यूटीशियन ने मज़ीद इस दुनिया के हिसाब से कुछ कलरफुल किया। ऑफ कोर्स पहले लोग मेहंदी लगाते थे, ऐसा होता था ना कि पता चले औरत का डिफरेंस, मेहंदी लगाना, सुरमा लगाना, फिर और मज़ीद और बहुत कुछ हुआ। तो अब जो है एक बिल्कुल एक यूनिक हो गया, फिर कपड़े और बहुत कुछ आ गया और एक कॉम्पिटिशन चल गया। कॉम्पिटिशन इट्स मीन होता है मुकाबला और मुकाबले का मकसद हमेशा ये मत सोचा करें कि जीतना ही ज़रूरी है। याद रखिएगा, मुकाबला आपको सिखाता है आगे बढ़ना। ये कॉम्पिटिशन होता है ना किसी तरह का भी हो, चाहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, कितनी सारी मिस वर्ल्ड दुनिया की, क्या वो खूबसूरत नहीं थी जो मिस वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कुछ ऐश्वर्या राय जीत गई, ऐसा हो गया था ना। तो ऐसे बहुत सारी ब्यूटिशियंस होती हैं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, तो अपनी ज़िंदगी ये मत सोचें कि मैं जीत जाऊं तो ये कॉन्टेस्ट है और अगर मैं हार जाऊं ये कॉन्टेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अपने आप को मोटिवेट करें और बोलें इस मुकाबले का मकसद है विन करना नहीं, आगे बढ़ना। जब ये कॉन्सेप्ट आगे जहन में आ गया तो फिर आप बहुत आगे चल जाएंगे। लेकिन अगर आपने जहन में ये सोच लिया कि ये मेरी हार जो है ना वो मेरा एंड है, तो वो एंड ही होगा। लेट्स सी, ये मैसेज काफ़ी लंबा हो गया और यहाँ पर हुआ था कुछ दिन पहले ब्राइडल प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन और उसमें हमने सोचा था 20-25 मतलब इस तरह 40-60, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अबव द 100 हो गया। लेट्स सी, आज वहाँ पर जो है एक सिलेक्शन हुई, जजेस मौजूद थे, जजेस में शाइस्ता मरगूब मैम और मैम आरफा सलीम चांद जो एंड मैम शगुफ्ता बाबर और मैम निगत ताई, ये चार लोग थे जिन्होंने जजमेंट की और मैं उनसे मुतमईन हूँ। मैंने उनसे कहा फेयर कॉम्पिटिशन है और आप इनको इनके मार्क्स दें जिस तरह भी उनको बेहतर लगता है। तो फिर उन्होंने जजमेंट किया तो टॉप 10 विनर आए और ये शील्ड्स आप देख रहे हैं लाइव से, ये शीट्स आपके मेरे सामने ही पड़ी है बहुत ज़बरदस्त और इनको टॉप सब पार्टिसिपेटर्स को शील्ड्स भी मिली, लेकिन टॉप विनर्स को ऑफ कोर्स अलग से विनर शील्ड्स मिली और एक रिवॉर्ड भी मिला ऑफ कोर्स विनर। अच्छा लगा तो मैंने कहा कि वो नहीं, उन ब्यूटिशियंस को बुलवाया जाए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके व्यूज़, क्योंकि उस वक्त तो एक एंड हो गया था तो बात हो नहीं पाई, टाइम बहुत ओवर हो गया था। तो हमने कहा कि आज उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी बात का इजहार कर सकें, अपनी दिल की बात कर सकें। मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाऊँगी, मेरे इस वक्त उल्टे हाथ पर बैठी हैं समीना आरिफ फ्रॉम सैम्स रोज़ सैलून। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं समीना?
अब बोलेंगे ये सभी तो खुद ही सारी बातें करेंगे, सारा ब्रीफ तो इन्होंने कर दिया, अब हम क्या करेंगे। यहाँ आना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटमेंट थी आपके साथ इस शो में आने की, तो आज ये कि आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। ओके अच्छा जी, अब आपसे सबकी आपकी और भी बहनें हैं विनर हैं, तो मैं सेकंड ऑफ कोर्स जब ब्राइडल प्रेजेंटेशन कंपटीशन था तो टॉप विनर अब इस वक्त यहाँ पर तो 6 मौजूद हैं और एक वो ब्यूटिशियन थी जो बोल नहीं सकती तो वो नहीं आ सकी और 2-3 और भी नहीं आ सके ऑफ कोर्स, लेकिन जो हैं उनसे हम गुफ्तगू करवाएंगे और इनके बराबर में तशरीफ रखती हैं अक्सा मोइन फ्रॉम हिना सलोन से। अस्सलाम वालेकुम। अक्सा कैसे? ये बैठे बैठे यहाँ सेल्फियाँ ले रही थी मेरी प्यारी बहन लेकिन अच्छा लगा। वी आर अ सिस्टर्स, वी आर मतलब PBI इज़ अ फैमिली और इसमें कोई शक नहीं है, ये सब बहुत डिजर्विंग है। कैसा लगा अक्सा? बहुत अच्छा मैंने फील किया यहाँ आके, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी आपके पास आने की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। आपकी सरप्राइज तक क्यों सरप्राइज सभी ने बुला लिया जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने बुलाया और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। बात करेंगे हम आपके साथ बहुत सारी। अच्छा जी, ऑफकोर्स ये सलोन से कभी भी आउटडोर इनका कभी माइंड नहीं हुआ कि हम चैनल पे जाएंगे, तो ये भी एक मतलब हैप्पीनेस। एक तो विन हो गए यानी कि ब्राइडल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया और इतनी सारी ब्राइड में विन भी हो गई, फिर मॉर्निंग शो भी आ गई, तो ये बड़ा मज़ेदार होता है ये सरप्राइज, ये इनकी लक है इसके बाद मैं मिलवाती हूँ सलमा अली फ्रॉम शमा सलोन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप सलमा? ठीक हूँ। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अच्छा, इतनी एक्साइटेड थी इन्होंने शील्ड घर में बोली, शील्ड घर पे बुलाई मैं लाइव शो में छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल फेयर बात करती हूँ, अब मैं मना भी कर रही हूँ मत मंगवाओ। नहीं 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 मिस, मैंने भेज दिया है, अब तो मेरा ड्राइवर लेके दिया है, रास्ते में ही है शील्ड। अफसोस हो रहा मेरी शील्ड नहीं आई। बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने साथ ही रखी थी कि मैं लेकर जाऊंगी साथ, और रात को नींद आ गई थी, रात को नींद नहीं आई थी क्योंकि मुझे शो में आना था बहुत एक्साइटेड। चले जी हम अब चलते हैं राइट हैंड पर है जो मेरे अक्सर प्रोग्राम में तशरीफ लाती है और हिना कोमल फ्रॉम एच के सलोन, इनसे तो बहुत कुछ सीखते हैं आप लोग हेयर स्टाइल वगैरह और ये विन भी कर गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कांग्रेचुलेशन सबको, बल्कि कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा आज, ये है ना डिफरेंट है कुछ डिफरेंट। अच्छा जी, इनके हम आपसे गुफ्तगु करते रहेंगे, बराबर में तशरीफ रखती हैं इस वक्त सदफ फ्रॉम सदफ सलोन से। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसे हो? अच्छा सदफ किस बोलेंगे ये मिस छोड़ती नहीं। अच्छा मैंने कहा अपनी आवाज़ चेक करो, हेलो 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 करें, मेरा मुझे नीचे क्यों देख रही हूँ लड़की, तो ये बहुत इनोसेंट से हैं, इन्होंने पहली बार आज स्क्रीन फेस किया और मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में आज तशरीफ लाएंगे, अच्छा लगा गुड। और इनके बराबर में है अफशा बशीर है VTC से और मिस दरक्षा ने इनको, ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट है VTC की, तो मिस दरक्षा आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने बच्चों को इतना ओब्लाइज करती हैं और उनको आगे बढ़ने में। और आप एक बात बताओ, PBI ने जो है वो चाहे सलोन से हो या किसी इंस्टीट्यूट से, हमने सबको इक्वलनेस प्रेजेंटेशन का मौका दिया, तो मैं मिलवाती हूँ अफशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। टोटली डिफरेंट के इंस्टीट्यूट और फिर एक ब्राइडल प्रेजेंटेशन को, बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट और एक्साइटमेंट तो उससे ज़्यादा है। और मिस दरक्षा का तो थैंकफुल मैं भी, मिस अलमास भी और आपका भी, मुझे बहुत खुशी है अपनी मैम। मेरा नहीं PBI का, मैं तो यहां पर मेरे मॉर्निंग शो का अलग है लेकिन PBI ने प्रमोट करता है ऐसी लड़कियों को, इसलिए बहुत शुक्रिया। गुड है। अच्छा आपको पता था यू तुम विन कर जाओगे? नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ मुझे एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि किसी और का नंबर था, देन फिर मुझे पता चला मेरा नंबर, मैं वहाँ पे गोल गोल घूमने लग गई, मुझे नजर ही नहीं आ रहा कैसे कैसे? मैंने बोला मेरा नंबर नहीं है, ये किसी और का नंबर है। अच्छा। जस्ट बिकॉज देखा तो फिर मैं भागती हुई आई। अच्छा हिना, हिना मुझे वो बताएंगी हिना, मैं आपसे, आपने कहा कि सभी सबसे अच्छा एक बात थी, हम लोग मेकअप कर रहे थे, बात हो रही थी कि वहाँ पर कोई ब्यूटिशियन का नेम नहीं था और कोई सलोन का नाम नहीं था, वह नंबर से उनको जज किया जा रहा था कि ये नंबर की ब्राइड है और हमने इसको नंबर देना, उनको ये भी नहीं पता था ये किस सलोन से, यानी कि फेयर कॉम्पिटिशन, ये बात है कि ये बहुत अच्छा था, पता ही नहीं था कि कौन सी ब्यूटिशियन की कौन सी ब्राइड है, तो सिर्फ नंबर थे, नंबर पे जजमेंट थी, तो ये कोई बिल्कुल फेयर रिजल्ट था।
तो उससे बड़ी खुशी हुई थी कि ना आप जजेज जो हैं वो सिर्फ नंबर की बेस पे दे रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम था कि कौन सी ब्राइड किसकी है, किस ब्यूटिशियन ने इसको तैयार किया है। अच्छा आप मुतमईन है समीना, इस तरह होना चाहिए या ऐसे बैज लगाओ जी ये ज़हरा सैलून से है और इसका नाम समीना है और ये क्लिफ्टन से आई है, ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने जो है मॉडल्स को अलग और ब्यूटिशियंस को अलग किया, और जो जजेस आए थे तो वो तो मतलब ब्यूटिशियंस को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो और फिर उन्होंने खुद जाके बहुत करीब से हर एक का काम देखा, पर्सनली जाके एक एक चीज़ उन्होंने देख के, उनके ब्यूटिशियंस का काम देख के उन्होंने जो है रिजल्ट दिया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत फेयर था, बहुत फेयर था, और इसमें ये चीज़ और बहुत मैनेजेबल प्रोग्राम था। मुझे फ़र्स्ट टाइम आई थी PBI के प्रोग्राम में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच PBI के आपने हमें यहाँ तक आने का मौका दिया। अरे क्या बात है। अच्छा एक और बात बताओ ना हाजी, मैं अक्सर से बात करूँगी, इसके बाद ये बात मैं पूछना चाहूँगी और मैं यहाँ पर सारे लोग हैं कि जब ऑफकोर्स जिन बच्चियों ने और ने भी पार्टिसिपेट किया, ये हरगिज़ नहीं है कि उनका काम अच्छा नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, लाइक कि जजेस को हो सकता है आपके मेकअप बहुत अच्छा हो, मेकओवर, लेकिन वो ड्रेस से कॉम्बिनेशन नहीं करो जो आपकी सिलेक्शन में भी अच्छी ना हो, या उस बंदी ने कैरी अच्छा ना किया हो, दुपट्टा कि जो आप वो प्रेजेंटेशन इज अ प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन, तो प्रेजेंटेशन में सिर्फ मेकओवर नहीं आता, ऑल ओवर चीज़ें आती हैं, तो मे बी जजेस को कुछ ऐसी चीज़ आपकी नहीं अच्छी लगी, उसने 19-20 कर दियो। अक्सर आप क्या कहते हैं जो नहीं जीती उनके कॉन्सेप्ट में ये कि शायद हमारा काम तो बहुत अच्छा है, उनका दिल मुतमईन नहीं है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? उनका काम भी उनकी अपनी जगह अच्छा था, पर लेकिन आप लोगों ने हमें विन किया, ये हमारी खुशनसीबी है, और बाकी सबको मैं अप्रिशिएट ही करूँगी। मैं तकरीबन सारी ही ब्राइड्स अच्छी थी, सब अच्छी थी, मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ और तमाम जितनी भी थी ब्यूटिशियन उन सबको और PBI टीम को थैंकफुल और क्लैपफुल उनके लिए। आए हाय। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि देखो ये कितनी बड़कपन की बात होती है दूसरों को भी अप्रिशिएट करना। मैं सलमा से पूछूंगी, ऑफकोर्स वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटिशियंस थी और इन्वायरमेंट जैसे इन्होंने कहा बहुत मैनेजेबल है, बहुत अच्छा लगा, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी सलमा मिलनी चाहिए बंदों ब्यूटिशियंस को? मिलनी चाहिए, क्योंकि PBI ने हम जैसे ब्यूटिशियंस को जिन्हें कोई भी नहीं जानता, डोंट से हम जैसे, आप इसको मत कहा करें हम जैसे, ये हम जैसे क्या होते हैं, हमारा काम बहुत अच्छा है लेकिन हमें आगे कोई नहीं लेकर आता। अब बड़े सैलून्स में देखे बहुत मतलब काम हो रहा होता है, लेकिन छोटे मोटे सैलून्स पे काम बहुत अच्छा होता है लेकिन उन्हें आगे कोई नहीं लेकर आता। तो जब मैंने PBI ज्वाइन किया, क्लासेस वगैरह तो मैं लेती रहती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इसमें आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। और दूसरी ये कि मैं उससे नहीं गई थी कि मैं आगे आ जाऊँगी, जमीन कर जाऊँगी, लेकिन जब मेरा नाम लिया तो मैं बहुत वो हुई कि मैंने कहा, मुझे एक वो था कि मुझसे अच्छी अच्छी ब्राइड्स आई हुई है तैयार होकर, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी ब्यूटिशियंस थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने इतनी नहीं की थी, लेकिन लक ने साथ दिया शायद। अच्छा ये भी होता है, हर चीज़ का एक थोड़ा बस किस्मत की भी बात होती है, ये बड़ी काउंट करती है। अच्छा जी, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन टॉप विनर थी 10, अभी इधर यहाँ पर सिर्फ 6 मौजूद है और एक हमारे दरमियान जो विनर है लेकिन वो कॉल पे है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ, क्या नाम है आपका? किरण काशिफ। किरण काशिफ जी, मैम बहुत बहुत माजरत, मैं आ नहीं सकी। आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो आज इनको देख के कुछ दुख हो रहा होगा? बहुत ज्यादा बहुत दुख हो रहा है, रोना नहीं, खुदा के लिए रोना नहीं, मजबूर हूँ कि मैं आ नहीं सकी। ओके कोई बात नहीं मेरा सोना, लेकिन हम आपका नाम ले लेते हैं, किरण काशिफ जो है वो बहुत बहुत माजरत मैम, और मुझे इतनी खुशी हुई थी जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ था, मुझे बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह सब यहाँ बहुत खुश हुए। चले जी, आपको बुलाने का सर आयुष का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PBI का शुक्रिया, PBI का शुक्रिया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना आपको सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच जी। किरण मौजूद थी और इन्होंने हमें ऑफकोर्स वो नहीं आ सकी। अच्छा जब वहाँ पे मैंने एक चीज नोट की, है ना, जो बच्ची जीत रही थी ना वो स्टेज पे आके ना
वो रोने वाली जैसी हो रही थी और मैं उनको ये कहती खुदा के लिए रोइएगा नहीं, तो मैं उनको ये खुदा के लिए, वो उनकी एक एक्साइटमेंट थी। वो प्लेटफॉर्म हमें फर्स्ट टाइम मिला था, जो फेयर बात ये है कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अक्सर ही ना, जो सिंसियर लोग होते हैं वो हमें बहुत कम मिलते हैं, तो यही था कि हमारे काम को जिस तरह उन्होंने प्रोमोट किया, हमें विनर विन किया हम लोगों ने, तो हमारी ये एक्साइटमेंट थी कि हम लोगों को एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल गई है। गुड। एक और बात है, जैसे इन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मुझे महीना की बात को ही इंडोर्स करूँगी। अच्छा, मेरी सबसे लास्ट में मेरी प्यारी बहन बैठी हुई है, क्या नाम है, अफशा। अफशा, आप ये बताइए कि आप VTC से भी हैं और जब अभी दोबारा गई है अभी तक क्लास में, अभी तक नहीं दोबारा? नहीं, मेरी क्लासेस तो कंप्लीट हो गई है। नहीं, जब आपने विन किया उसके बाद क्लास? बिल्कुल, मेरी सेलिब्रेशन हुई है वहाँ पे, मैम ने मुझे इनवाइट किया है, बुलाया, स्टूडेंट्स ने इनवाइट किया वहाँ के, और मुझे बहुत मजा आया। सब लड़कियां कह रही हैं हम भी जाएंगे। मैम बल्कि सबको एक एक को कह रही थी कि भाई ये स्टूडेंट हमारी जो विन करती है जाती, ये स्टूडेंट हमारी, उस टाइम तो बस ऐसा लग रहा था बस मैं ही मैं। मैं बकरी होती है, आपको किसी ने नहीं बताया। अच्छा जी, अब एक और चीज भी है, देखिए जैसे कि इन्होंने से बात हो रही, तो इन्होंने कहा मैंने अपनी कुछ ग्रुप्स में शेयर किया समीना, तो उन्होंने कहा कि अब हमें भी पार्टिसिपेट करना है, और मेरे ख्याल में सलमा हो या अक्सा या आप लोग हो, जो भी जिन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में या कहीं पर भी शेयर किया होगा, तो जो और लोग होंगे ना, कुछ लोगों का क्वेश्चन मांगता है यार ये ऐसा ही होगा कॉन्टेस्ट, इतनी फीसेज ले रहे होंगे, पता नहीं क्या होगा, मिसमैनेज होगा, कुछ ख्याल होगा नहीं होगा, वैल्यूज दी नहीं जाएंगी। मैंने कहा यहाँ पर यकीन करें, PBI में मैंने देखा है तमाम जो ब्यूटिशियन थी उनको एक प्रॉपर रिस्पेक्टफुली अंदाज में बिठाया गया था, उनकी मॉडल्स को भी उसी तरह सिटिंग दी थी, ये नहीं कोई यहाँ खड़ी हो रही है वहाँ बैठ रही है, बहुत एक सबसे मेन चीज तो उसमें बहुत अच्छी ये भी थी ना कि आप जब मॉडल्स अलग बिठाई गई थी तो ब्यूटिशियंस को बिल्कुल अलाउ नहीं था कि आप बार बार जाएं उनके पास खड़े हो या उनको टचअप दें या ये एक बार कर दिया खत्म बस खत्म। और फिर दूसरा कोई वो ये था कि वहाँ पर जब एक जब इतना बड़ा और मैनेज और प्रोग्राम जो था वो मैनेज हुआ हुआ था, तो वहाँ पर आपने एक दफ़ा कहा, सर अर्श ने एक दफ़ा कहा कि भाई आप लोगों की सिटिंग्स यहाँ हैं आप लोग भेजता, तो फिर वहाँ पर ब्यूटिशियंस की भी काफ़ी अच्छी जो है वो कंट्रीब्यूशन थी कि वो बड़े जो है ना डिसिप्लिन के साथ बैठ गई थी वहाँ पे। और फिर दूसरा हमारी मॉडल्स ने भी बड़ा कोऑपरेट किया, तो इस बात पे बड़ी खुशी थी कि, और फिर दूसरा ये था कि प्रोग्राम इतना और इतनी बड़ी लेवल का और इतनी सारी ब्यूटिशियंस को जो है लेकर आपने अकेले ने उस प्रोग्राम को चलाया, तो मैं ये भी देख रही थी कि वाकई आपको जो है ना आपकी हिम्मत है वाकई कितनी सारी लड़कियों में किसी ने अभी तक मेरी तुम बहुत अच्छी हो समीना, नहीं बहुत प्रोग्राम में भी आना मेरे साथ, कोमल तुम सीखा तुमने मुझे अभी तक नहीं अप्रिशिएट किया, मैं कितना वापस शोर कर रही नहीं मैंने जब मेकअप करी थी आपको बोला था। और मैं वाकई मैं बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में भी जा चुकी हूँ इस तरह, लेकिन 10-12-15 में इतना शोर हंगामा हल्ला गुल्ला इतना सब कुछ होता है, और जो है ना वो वहाँ पर चीज समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोग होने के बावजूद 100 ब्राइड्स मीन्स कि 200 लोग वहाँ पर, और आप अकेले ने उनको मैनेज किया इतने बेहतरीन तरीके से, आई रियली अप्रिशिएट। और आपकी हर मॉडल को प्रॉपर टाइम मिला था, बिल्कुल कोई ये ना कहे कि ये भाई हमारी मॉडल को इन्होंने जल्दी से हटा दिया, हाँ नहीं ये चीज सिखा रही थी मैं उनको, और बार बार रोक रोक के कह रही थी यूं नहीं यूं जाना है रुक जाए और वहाँ रुकना है इस तरह में स्टे करना है वहाँ पोज देना है ऐसे करना है बिल्कुल कितनी सिंसियर हूँ मैं देखो। और अच्छा इक्वलनेस कोई ये नहीं है कि अच्छा ये ही ना कि अच्छा मुझे खुदा की कसम नहीं मालूम मैं सच कह रही हूँ मुझे ये ही नहीं मालूम किसकी ब्राइड कौन सी थी बिल्कुल बिल्कुल और मुझे कितने वो रोक रोक के कहीं थी सेल्फी ले लूँ मुझे ये नहीं पता ये मतलब कौन है और मैं रुक भी नहीं रही थी ऑफकोर्स मेरी तो शायद होगी भी नहीं इवेंट के बाद जरा हो तो क्योंकि टाइम नहीं होता टाइम नहीं था हाँ बिल्कुल तो मैं एक्सक्यूज कर रही थी सबसे और मुझे ये नहीं पता था ये ब्राइड है ये किसकी बनाई है बिल्कुल और फिर दूसरा वहाँ पे ये था कि आप मतलब जो भी फर्स्ट टाइम जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम मिली आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से मिली और मुझे लगा नहीं बिल्कुल कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ और फिर मेरी मॉडल भी बड़ा जो वो थोड़ा परेशान थी वो भी फर्स्ट टाइम जब उस प्लेटफॉर्म पर आई तो उसने भी देखा वो समझ रही थी पता नहीं कैसा होगा कैसा इन्वायरमेंट होगा कैसे लोग होंगे तो वो थोड़ा सा शाय थी तो लेकिन जब उन्होंने आगे देखा आपसे मिली जब वो मेकअप रूम वाली साइड पे तो वहाँ पर तो वो बड़ा जो है ना उनको थोड़ा हौसला मिला अरे एक लड़की तो पूछ रही थी
ये शो की होस्ट भी है। वो सीन बड़ा खुद, मैंने कहा क्या मतलब, मैं अभी तैयार होऊंगी लड़की, रुक जाओ। मैंने कहा मुझे क्या मतलब, असल में जब बंदा काम में लग जाता है ना, जैसे आप किसी मॉडल को जब तैयार करती है तो आपका माइंड कुछ और, हर चीज डिफरेंट, लेकिन जब आप अपने गेटअप में आती है ना तो वो एक अलग पर्सनैलिटी बन जाती है। बिल्कुल, उस वक्त सब काम में खो जाते हैं, उस वक्त भूल गए। फिर नजर कितनी लगती है जब हम फ्रॉक पहन के आते हैं। ये चीज तो नो डाउट बहुत प्यारी लग रही थी आप, और जब आप जब स्टेज पर आई और जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उस वक्त तो बहुत जो है ना अपना सरप्राइज हो गया। सरप्राइज ये वही थी मुझे घूम रही थी पीछे पागलों की तरह। लेकिन ये सिर्फ इन ब्यूटिशियंस को बकअप करने की वजह, अगर मैं ही एक उसमें रहूं एक क्राइटेरिया में तो इनको कंफर्टेबल जोन नहीं मिल सकता। हमें सबसे पहले, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाए ना जाया जाए और फिर उसको एक मीडिया कवरेज, फिर मॉर्निंग शो, ये सारे कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो फिर इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक उनके अंदर क्वेश्चन मार्क हो कि पता नहीं और प्रमोट हो जाए, हमको नहीं करा जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं जो हमें उनको डिलीट करना होता है। ऐसा शिजाद भी टाइम बताइएगा जरा मुझे। अच्छा मैं बात करूँगी सलमा से, सलमा की तरफ, लेकिन मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगी, छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, हम किचन में चलते हैं साथ में अपने ब्यूटिशियन से भी। कुकिंग वुकिंग आती है जी? किसे फौरन ना ही कर देते मेरा दिल। अच्छा आप लोगों को कुकिंग आती है? नहीं रखा दिल मेरा, बिल्कुल नहीं रखा है। मुझे नहीं आती मैम कुकिंग, मुझे नहीं आती। अच्छा ये मेरी दोस्त है, फिर पक्की फ्रेंड। मुझे सब्जियां बहुत अच्छी बनाने आती है, मुझे मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती है। मैक्रोनी बनवाएंगे बेटा, आ जाओ। विनर तो अब इसमें भी मैं सोचूं एक कॉन्टेस्ट करवा लूं, ब्यूटी एंड कुकिंग कॉन्टेस्ट। लेट्स सी यहां पर बनेंगी, क्या कह रहे, बड़ी कलरफुल डिशेस बनेंगी फिर। सवीना ये मैक्रोनी को लिपस्टिक तो लगा दो थोड़ी सी, पर इसको तो मस्कारा ही नहीं लगा। वैसे ये कॉन्टेस्ट बड़ा मजेदार होगा। अच्छा ये क्या करेंगे, जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे ना उसमें भी रेड कलर के वो टमाटर के लिप्स बन जाएंगे। अच्छा जी काजल के लिए बैंगन के ऊपर का कलर यूज हो जाएगा। बहुत बाकी दिमाग है भाई। चले जी, आपने स्टार्ट में जैसे मेरा मॉर्निंग शो शुरू हुआ था तो एक अवार्ड सेरेमनी में मैं गई, बड़ा मजा आया और थैंक्स। और मैं चाहूँगी कि वो ही वाला आप एक बार फिर प्ले कर दें और हम लोग बस वो देख के वापस आते हैं। लेट्स सी, छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड टॉप 10 विरन ब्यूटिशियन के साथ। सभी का किचन एंड थैंक्स फॉर स्किल्सटन, ऑफ कोर्स उनकी जानिब से ये किचन का स्पॉन्सर है एंड थैंक्स फॉर फरा जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऑब्लाइज करती है। लेट्स सी हम लोग चलते हैं आज किन से मिलने जो यहाँ पर आज कुकिंग करने आई है, तो शेफ मरियम जावेद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? ये देखो मैं ये सेहत का मैं डर लग रहा है अभी दबा देंगे। माशाल्लाह खुश रहो आबाद रहो। आज क्या बन रहा है ये बताओ? आज हम बलोची टिक्का बना रहे हैं और ऑरेंज फेस बना रहे हैं। बलोची टिक्का, ऑफ कोर्स हमारा मुल्क और उसके अंदर सारे सूबे, उनकी जबानें और ये कल्चर, ये हमारी पहचान है और हम उनकी डिशेस को भी बहुत लाइक करते हैं। और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बलोचिस्तान जाऊँ और वहाँ पर वो जो यार वो तुम्हें तो पता होगा ना ज्यादा, वो जो पूरा बकरे के अंदर राइस डाल के बनाते, उसे क्या कहते हैं? मंदी नहीं, तंबुख, तंबुख, अल्लाह। और वो इस बड़ा सा तंदूर उसमें वो डालते हैं और वो जब आय हाय क्या बात। और मुझे दुम्बा भी बहुत पसंद है, उसके साथ भी बहुत मतलब टेस्टफुल होता है। हर किसी की अपनी चॉइस है और मैं लग रहा नहीं होगा बोले यार ये पतली दुबली सी बंदी खानों के नाम कैसे ले रही है। नहीं मैं खाती हूँ, ऐसे बड़े मजे से खाती हूँ, थोड़ा खाती हूँ, ये एक मेरी नेचर है। लेट्स सी डिश है बन रही बलोची टिक्का, टिक्का लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एक ऑयल ठंडा है, मैंने इनसे पूछा कि यार इसको जल्दी से गर्म कर दो, टाइम थोड़ा कम है, तो कह रही नहीं ऐसे ओ नहीं रियली जी जी। और ये चड़पड़ चड़पड़ नहीं करेगा क्योंकि जो है हम ठंडे ऑयल में पानी डाल देना, क्योंकि अगर हम गर्म ऑयल में डालेंगे ये फ्राई हो जाएगी अंदर से, ये जो लेग पीस है ये आपके जो है गलेंगे नहीं, खराब कच्चे रह जाएंगे। वाओ इसको हम ओके
तो ये कितनी देर लगेगी इसको मैक्सिमम? मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा इशू नहीं होता। ओके, जल्दी तैयार हो जाता है ये। और इसकी हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, ठीक है। जब तक हम जो है इंग्रेडिएंट्स तो आपने बताए नहीं मुझे, चलो अच्छा इसको चढ़ा दिया, अब बताओ इसमें क्या क्या डालेंगे? इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करेंगे। नहीं पहले बताओ डालेंगे क्या? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं 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 पहले बताओ फिर डालना। किसमें? ये हमने रोस्टेड क्यूमन लिए हैं, ठीक है। ये रोस्टेड जीरा लिया है, ठीक है। ब्रश कर लिया, ठीक है। 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, ओके। 4 टेबलस्पून जो है ये कुटी हुई है, ठीक है। कसूरी मेथी है, ओके। चाट मसाला है, कोई सा भी अच्छे से ब्रांड का आप कढ़ाई मसाला ले लीजिए। सॉल्ट हमने थोड़ा लिया ताकि, क्योंकि चाट मसाले में कढ़ाई मसाले में सॉल्ट होता है, ठीक है। और ये है गरम मसाला, ओके। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा अब मैं एक बार बताऊं, देखिए जी नाजरीन आप आराम आराम से जरा सुने क्योंकि मेरी ये बच्ची पहली बार है, इट्स ओके। ये मैं आम हम उसमें इसलिए कहते थे कि आपको अंदाजा हो कि क्या चीज कैसे। सूखा धनिया और सफेद जीरा दोनों को हल्का सा भून लें और उसको क्रश कर लें या कूट लें, ठीक है। और ये है कुटी हुई मिर्चें और ये है काली मिर्चें, ठीक है। ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ये हैं। और फिर हम आ जाते हैं कसूरी मेथी जो इजीएस्ट मिल जाती है ड्राई में। फिर हमारे पास है चाट का मसाला, ठीक है। फिर हमारे पास है कढ़ाई मसाला, ठीक है। ये बड़े मजे का, ओके। हाँ 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 क्या मजे का। और ये गरम मसाला है। गरम मसाले को इन्होंने या पिसा हुआ ले लें या घर में आप ग्राइंड कर लें। और हसबे जायका नमक, और नमक प्लीज कोशिश किया करें पिंक सॉल्ट जो होता है ना ये ज़्यादा यूज़ किया करें, ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी हम लोग जब से दूसरे नमक पे आए ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। लेट्स सी अभी तो हमने यूज़ करना है। और ये है क्रश कीवी, थोड़ी थोड़ी चॉप की भी, फाइन चॉप जो है ये गार्लिक है, ये भी भूल गए इन्होंने मुझे। वैसे स्किल्सन के बच्चे ना हमेशा चॉप वर्ड यूज करते हैं, तो ये हम करते हैं। तो ये हल्का हल्का जो है ना ये बारीक कटी हुई जिंजर, इन्होंने अदरक, और फिर ये बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्चें, और ये है लेमन यानी कि नींबू का रस, और ये है धनिया फाइन चॉप। गुड हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट करो यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ आ जाओ मेरी शहजादी, यस। और ये डल गया धनिया, और ये हल्का अदरक मिर्चों पे। मेरी बहन तो मुझे खाने नहीं दोगी फिर? नहीं नहीं है वो, ये नहीं, इसका काली मिर्चों में बहुत टेस्ट हो जाएगा। काली मिर्च नहीं, क्योंकि हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मिलाएंगे ना तो मिर्च कम हो जाती है। सोच लो जी जी, चले अल्लाह मालिक। नहीं नहीं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाकिर मुझे देख रहे और वो कैमरे पे खड़े और हंस रहे कि आज हम बहन बहुत डर लगता है, दही की लस्सी पीनी पड़ जाएगी। नहीं हम अपने अकॉर्डिंग डालते हैं, हमने वो करते हैं हमने जो है ना हर चीज जो अच्छा हमने एक तो ये बड़ा मसला है इन्होंने हर चीज इसे नाप तो ही जी एक्यूरेट होता है। ओके डन हो गए। ये ज्यादा है क्योंकि फिर हम कभी बना के रख रहे हैं इसको, ये आपको ज्यादातर ये इसको मैं जरा से आगे पीछे कर नहीं बिल्कुल भी नहीं हो अल्लाह जी। वैसे वाकई में चिड़पिड़ नहीं कर रहा वरना मैं पानी और ऑयल होता है मुझे डर लगता है वो गर्म होता है। ओके ठीक है, ये हो गई मिक्सिंग। कोई बड़ा बाउल ले लेती ना शिजा, हाँ, मैं ठीक है। अच्छा जी नाजरीन हम चलते हैं शेफ सॉरी ब्यूटिशियन सलमा, और कौन है ये? नहीं नहीं हिना कोमल की तरफ। हिना ये बताओ घर में कुछ कुकिंग करती हो? पक्का खुद ही करते हो? बच्चे भी तो हैं तुम्हें, दो बेटे, दो बेटे उनके लिए क्या पकाते हो? ज्यादा ज्यादा इन लोगों को बिरयानी पसंद होती है, बिरयानी पसंद है। और अक्सा मैक्रोनी बाजी क्या बनाते हो? बस कितने पूरे साल 365 दिन आप मैक्रोनी खाओगी? हाउ इज पॉसिबल? मैं सिर्फ अपनी मदर के हाथ का खाना खाती हूँ एंड सिस्टर का। अल्लाह ही हवाले है भैया। अरे अल्लाह जी ये तुम्हें कुकिंग में नहीं बुलाया जा सकता। चलिए गुड इधर आ जाओ, नजर नहीं गया तो उस साइड हो जाओ, नजर नहीं आएगा ना ऐसे ऐसे। हाँ मिक्स करें, ओके गुड जी। ये नाजिन आप देखिए आपको मिर्च ज्यादा लग रही थी, अब फाइन हो गए। यस यस क्योंकि हम हर चीज अकॉर्डिंग डालते हैं। ठीक है मैं समझ गई, ठीक ठीक। इतना इशू नहीं, खुशबू बड़ी प्यारी है। असल में वो भुना हुआ जीरा है ना और भुना हुआ सूखा धनिया, जब इसका एक अरोमा सा आता है ना जबरदस्त। आप टेंशन ले रही थी, देखिए ऑयल में पानी। असल में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ही चड़पड़ करूँ और कोई चड़पड़ ना करे तो वो बात हो गई। तो लेट्स सी शेफ मरियम ये बताओ कितने टाइम हो गया आपको कुकिंग करते हुए? मुझे 1 साल हो गया। माशाल्लाह आपका कोई आपका माशाल्लाह डिप्लोमा स्किल्सन से कर रहे हो? गुड शेफरा की स्टूडेंट हूं मैं। अच्छा इस कुकिंग का मैं एक और पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम, अभी वो इनवाइट भी करी थी आप आओ हमारे, मैंने कहा सेंटर में जरूर आऊंगी और कॉन्टेस्ट भी करेंगे आपके स्टूडेंट्स के साथ। ये बताओ कि इनके कोर्सेज जो होते हैं
जैसे कुकिंग का भी कुछ क्राइटेरिया होता होगा ना, वो बेकरी का होता है जी, बेकरी होती है, बेकरी जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब वो शेफ खाना चाइनीज अलग होता है, नहीं वो शेफ, ये सब हम जब करते हैं डिप्लोमा तो दोनों ही आ जाता है, सब चीजें जी, सब चीजें आ जाती है, जबरदस्त, और मरियम बताओ कि आपका कोई पेज आपने बनाया अभी तक कि डिशेस डाल सको, अभी रिसेंटली एक पेज बनाया है इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, अकाउंट प्लेट करके, मेरी जान ये क्या है, ये मैंने कॉन्टेस्ट जीता था, वहाँ मैं फर्स्ट आई हूँ, स्टूडेंट ऑफ द शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, यकीन करें आपके मम्मी पापा जो इस वक्त देख रहे होंगे, दे फील वेरी प्राउड कि हमारी बच्ची जो है वो इस काबिल हो गई है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, अपनी बच्ची को ज़रूर कोई ना कोई हुनर सिखाएं कि वो कभी ज़िंदगी में किसी की भी मोहताज हो, सिर्फ उस जात की हो, उसी से मांगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारे पास इतना पैसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़िंदगी का पलटा है ना वो डिज़ास्टर बन के आ जाता है, कभी कभी आपको खुद नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए, लोगों की मेहनत देखा कितनी थी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एकदम एक डिज़ास्टर आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन आपका इल्म आपका हुनर आपके साथ होता है। ये बताओ समीना, तो ये जो ज़िंदगी में मैं ये कहती हूँ हर औरत को एजुकेशन के साथ कोई ना कोई हुनर सीखना चाहिए, आप कहते हैं होना चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ जब अपने माँ बाप के घर में होती हैं तो उनको पता नहीं होता कि आगे उनके साथ किस तरह का वक्त आना है जी, और ये चीज़ तो मेरे पास जिस तरह से जो क्लाइंट्स आते हैं, जो बच्चियाँ आती हैं, तो उनके पेरेंट्स को भी मैं ये बात बताती रहती हूँ कि देखें आप ये ना समझें कि एजुकेशन ये फील्ड ये है, तो बाद लोग बड़ा इसको कॉन्सेप्ट अलग रखते हैं इस हवाले से, तो उनको भी मैं कहती हूँ लेकिन ये फील्ड ऐसी कि आपको ये होना रहता है कि जो आपकी लाइफ में कभी भी आपके काम आ सकते हैं, सही है, और इससे ये नहीं कि आपकी बच्ची ने कहीं बाहर जाना है या 10 लोगों के बीच में बैठ के काम करना है या मेल को फेस करना है, तो यहाँ पर टोटली आपका एक फीमेल इन्वायरमेंट के अंदर ही रहकर आपकी जो क्लाइंट की फीमेल है और आपके घर के अंदर चार दीवारी में रह के काम करने का है, तो तरीके से आपकी बच्ची जो है आगे लाइफ में शादी के बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो फेस कर सकती है, फेस कर सकती है। अच्छा सलमा, ये जिस तरह समीना ने कहा और ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा जब वो खातून को कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि जब उसको कुछ ही नहीं आता, वो एजुकेशन में भी लैक है, ओनर में भी लैक है और प्रॉब्लम आ गई, तो ना वो अपनी ससुराल को फेस कर सकती है, ना बच्चों को हैंडल कर सकती है, और मजबूर हो जाती है कि मेरा हस्बैंड कुछ देगा तो मेरा गुजारा होगा। लेकिन मैंने उन औरतों का बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस देखा है जिनके अंदर कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की सलाहियत होती है, लेकिन ये पहले से क्रिएट और डेवलप की जाती हैं, ये अचानक नहीं होती है कि ये ना हो, एक तो वो प्रॉब्लम में हो फिर हम उसको कहें आप जाके सीख लो, हाउ इज़ पॉसिबल, एक तो वो वैसे ही इतनी क्राइसिस टेंशन में। सलमा आप क्या कहते हो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली लड़कियों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो मतलब कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि वो बाहर निकले और हर चीज़ को फेस कर सके। और अच्छा एक बात मैं नाज़रीन से कहूँगी कि एक मर्द पूरे घर को देखता है लेकिन एक औरत, अरे हाय हाय, यकीन करो वो पूरे घर को नहीं एक फैमिली क्रिएट कर रही होती है, वो बच्चों का फ्यूचर क्रिएट कर रही होती है वो, क्योंकि वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो एक औरत है, यकीन करें मर्द एक उसकी सोच पता क्या होती है, मैंने पैसे देने और घर चलना है, लेकिन औरत ये नहीं सोचती, उसे पता है मेरे बच्चे ने ट्यूशन भी जाना है, हिना मेरी बातें सुन रही है, और जिस जिसके बच्चे ऑफ कोर्स ऐसा ही है, मेरे बच्चे ने मदरसा भी जाना है, मेरे बच्चे ने कुरान भी पढ़ना है, स्कूल का होमवर्क भी करना है, और उसके लिए मैंने उसने बहुत कुछ सोचा होता है, यकीन करें मेरी अपनी सिस्टर, उसकी तीन बेटियाँ, तीनों हाफिज़ कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती है कि मैंने बहुत अच्छी, और अब माशाल्लाह वो लोग सब ग्रेजुएट ग्रेजुएट बच्ची हैं, उनकी शादियां भी हो गई, तो आज वो सारी बच्चियां गवर्नमेंट लेवल पे जॉब कर रही हैं, कितना अच्छा लगता है, कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटियां जो है ना वो अभी भी एजुकेशन अभी भी साथ साथ अपने बच्चों को भी पाल रही हैं, एजुकेशन भी हासिल कर रही हैं, अपनी फैमिली उनके हस्बैंड्स को मतलब एक एक स्टैंड ओवर है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के जो टाइम में आज का जो दौर जिस तरह चल रहा है और एजुकेशन की बिल्कुल, सिर्फ एक मर्द ही पूरी फैमिली को नहीं चला, नहीं चला उसके ऊपर बर्डन होगा ना, फिर कहेंगे लो औरतें तो कभी बूढ़ी नहीं होती हैं और मर्द बूढ़े हो जाते, वो इसलिए
कि वो सारी चीजें अपने सर पे ले लेते ना, टेंशन ले लेते कि अब जाए पता अगर मिल के गाड़ी के दो पहिए होंगे तो अच्छे नहीं, अब तो गाड़ी के चार पहिए होते हैं ना, वो चार पहिए आजकल वहां तीन तीन शादियां कर रहे हैं ना, चार पहिए कर लो ना। गाड़ी के कितने पहिए होते हैं तो मर्द उसी को तो फॉलो कर रहे, चार दिमाग चल रहे लड़की का दिमाग चल गया। अरे मेरी जान ये कब पकेगा, जल्दी करो 10 मिनट। अरे चिकन तो यूं गल जाते हैं यार, नहीं अंदर तक गलाने के लिए ना फिर हम कटते, फिर बाद लोग शिकायत करते हैं इसके अंदर जो तो इसके ऊपर वो नहीं नहीं कट्स लगे हुए, नहीं नहीं आप इसको ढक देती नहीं, नहीं नहीं ओके चले एक और डालते हैं हम लोग जी। चले जी हमारे पास ये डल गई जिंजर, ओके और फिर ये हो गया गार्लिक लहसुन और अदरक। देखिए मैं प्रॉपर ब्रीफ करती हूँ, ये हमने मिक्सिंग की और अभी हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे, आप थोड़ा सा मैं मुझे नहीं, हम लोग मतलब इन चीजों की इतनी आदि मुजरिम नहीं है ना। आप लोग तो वो बड़ा सीन होता है, वो यू फ्राई पैन से ठक ठक, एक बार आया शेफ उसने ऐसे से किया मैं ऐसे देख रही, मैंने मैं दूर ही हो जाऊं अब इसका, हम यस अब इसमें अच्छा ये काट लगा कट्स लगे हुए बस, फिर मैंने कहा इन्होंने पटाखे बजाने शुरू कर देने आतिशबाजी होली यहीं पर दिवाली जो होते हैं उनके लिए व्यवस्था काम होता है हमारे बस के जो मैं जब भी करती हूं तब तक फायर ना जल्दी जाती हूं अच्छा हमें लगता है हमने खाना नहीं पकाया जब तक जलो ना नहीं नहीं फायरिंग का अगर फायर ना करें हम आग से ना खेलें। तो आप यहां पर क्या कर रही हैं, आप जाके कश्मीर में हमला करें ना, हमें कश्मीर में हमले की जरूरत नहीं होती। यकीन करो आप लोगों की बातों से पता नहीं मेरी बातें कहाँ से निकल आती हैं। चले ये कब डलेगा, ये नहीं ये बाद में डलेगा। ओके अभी कितनी देर होगी मैक्सिमम, बस हो गया 5 मिनट और हम चले, हम 5 मिनट में हम चलते हैं हिना कोमल की तरफ। हिना ये बताइए कि बच्चे ज्यादा क्या पसंद करते हैं आपके घर में? बच्चे मेरे जो है वो शौक से चावल ज्यादा खाते हैं। अच्छा चावल बिरयानी हो गई, तहारी हो गई, पुलाव हो गया। अच्छा आप बताएं आपके घर में मम्मा पकाती हैं, खुद पकाते हो? आर यू मैरिड? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा ये आपके भी शादी नहीं हुई नहीं। तो प्रपोजल दे दूं आपको किस तरह का हस्बैंड चाहिए? इतनी सारी लड़कियां बातें कर रही ना, तो अच्छा है ना गुफ्तगू रहेगी ना। एक ब्यूटीशियन सैलून अपना खुद रन कर रहे हो? जी बिल्कुल गुड है। मैं ज्यादातर उन लड़कियों को टीच कर रही हूँ, मैं शुरू से ये काम कर रही हूँ। मैम भी जानती हैं ज्यादातर जिनके डाइवोर्स हो चुका है या फिर किसी के हस्बैंड इंतकाल हो चुका है, इस तरह की लड़कियों को ज्यादा मैं सिखाती हूँ। अच्छा शुरू से यही काम कर रही हूँ, 8 साल हो गए मुझे इसमें। सैंडी में वेकेशन ट्रेनिंग सेंटर गई थी तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया, फिर उनको पता चला कि मैं इस तरह के काम कर रही हूँ, मुझे आगे अप्रोच किया, आगे बढ़ाया मुझे और इनको फील हो रही जल्दी से पहुंच जाओ, तो देर से क्यों आई हुई फबिया? ट्रैफिक ऐसे कैसे पता चलेगा आप कराची में रहते हो? कैसा लगा आपको विन किया, प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में अच्छा ब्रीफ करो। बस ये इनकी बड़ी कमबख्ती है, मेरा सैलून बड़ा नहीं, अरे तुम्हारा काम बड़ा है, क्यों नहीं समझते आप लोग? अच्छा मुझे पहले बता देती तुम्हारा सैलून अच्छा, मैं कहती इसको विनर कर दो। चले जी हम इस तरफ आ जाए किचन की तरफ, और यहाँ पर जो है इन्होंने जो है बिल्कुल टर्न कर दिया है, और सॉरी ऑयल सारा निकाल दिया, इसको छान लिया ऐसा ये, और मैंने देखा चिकन चंदा गल गई है बिल्कुल सुना, बल्कि वो टूट रही है। नहीं टूट नहीं, मतलब वो मैंने मतलब गलने का, हां गलने का लगा दिया, वो गल गई। अच्छा 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 ताकि अंदर ओके हो जाए, क्योंकि मेरी मोटी चिकन थी। ओके मोटी लेग पीस। ठीक ठीक ठीक। और ये बिल्कुल इन्होंने छनवा दिए, छनफन हो गया। ओके
ओए होए होए होए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्टेप? अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ठीक है, हम इसमें ऑयल डालते हैं। ठीक है, गुड है जी। नाज यहाँ देखिए, प्रॉपर आज शेफ मरियम जावेद मौजूद है फ्रॉम स्किल्सटन से। प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ हम आपको ब्रीफ करें, कहीं आप ये ना कहें कि आपको नहीं बताया गया। साथ हंसी मजाक भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और ये देखिए क्या करें, इधर रखें, डन नीचे लग रहे हो? ओके डन। कितना मेजर इसे मालूम है, मैं डर रही हूँ नीचे से ऑयल तो नहीं लग रहा। नहीं 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 लग रहा। माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हो, वाकई में आपने सही बेल्ट लगाया उन्होंने, अब मुझे यकीन हो गया। लेकिन मैं सोच रही हूँ किचन की मलका कौन बनेगी, आपके उधर कॉन्टेस्ट किया जाए और फिर हम उनको बनाएंगे किचन की मलका। और मैं तो कहती हूँ हर घर में होती है किचन की मलका। और मैं चलती हूँ समीना की तरफ और समीना से बात करती हूँ। समीना ये बताओ कि ऑफकोर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट भी किया, और मैं आप आने वाली बच्चियों को, आने वाली ब्यूटिशंस को क्या बताना चाहोगे कि कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए, आगे बढ़ के काम कर लीजिए, PBI उनके लिए कैसा प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल, मैं उन बच्चियों को जो इस फील्ड में नई हैं और जो आना चाह रही हैं, तो PBI उनके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो कि उनको बहुत फेयर और कंपटीशन के साथ जो है उनको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है और उनको आगे आने का मौका भी दे रहा है, ताकि वो अपने काम को, अपने सैलून को नहीं, अपने काम को आगे आके मनवाएँ, खुद को मनवाएँ। तो जब तक वो अपने काम को आगे नहीं लेकर आएंगी, तो उस वक्त तक उनकी कोई पहचान नहीं बनेगी। तो PBI वाहिद वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आ सकती हैं। यहाँ पर बहुत सिंसियर लोग हैं और यहाँ पर बहुत जो है आपके काम को सराहा जाता है और आपको एक आगे बढ़ने के लिए जो है बहुत अच्छा एक जो है ना रास्ता भी आपको देते हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मैं उन सब बच्चियों को कहूँगी कि जो इस हवाले से जो है वो नहीं जानती हैं, तो जो जान रही हैं, तो वो भी उनको आगे उनको बताएं, उनको अवेयरनेस दें और उनको आगे रेफर करें। और ये बहुत बेहतरीन मौका है इसके, इससे आप कहीं बल्कि किसी और बड़े सैलून में अगर जाएंगी, आप सीखने के लिए जाएंगी, वहाँ पर ट्रेनिंग्स करेंगी, वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो वहाँ के कॉम्पिटिशन्स जो होंगे वो एक उसी प्लेटफॉर्म तक महदूद रहेंगे। तो उसके बाद फिर आप वहाँ से ट्रेनिंग लेके, सर्टिफिकेट लेकर आप अपने सैलून चली जाएंगी, आप चाहे आपके घर में है सैलून या मार्केट में है, तो वहाँ से आपको कुछ चंद लोग ही जान पाएंगे, जो आपके नियरेस्ट एरिया के लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। लेकिन PBI जो है वो आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको मनवा रहा है, आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है। बात है समीना, इतना अच्छा ब्रीफ किया, अब वो आने वाली ब्यूटिशियन कन्विंस हो गई है। अच्छा जी, हम चलते हैं शेफ मरियम की तरफ। मसाले आपने डाल दिए? सब कुछ डाल दिया। जरा सी देर भी मेरा इंतजार ना किया। अच्छा जी, कीजिए, आपको ज्यादा लग रहा था ना, आप मसाला टेस्ट करके। ओके, मैं मसाला टेस्ट। अच्छा, ये ऊपर से डाल दिया था? जी जी। ओके, कहीं से मिर्च नहीं है? अरे वाकई में जाकिर, फौरन नान का बंदोबस्त कर दो, बा खुदा अब मुझसे रहा ना जाए और सहा ना जाए। बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीदवार कह रहे वो। अच्छा, आप क्या डालेंगे चंदा? बस हो गया, अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करें, चले प्लेट निकाले फटाफट फटाफट। हम समीना और बस हम थोड़ा सा इसके ऊपर टॉपिंग पे, मेरे को तो इसी में ऐसे ही अच्छा लग रहा है, नहीं प्लेटिंग में ज्यादा अच्छा लगता है आपको? चले आप इसको। ओके डन हो गया, यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। जब तक ये क्या करेंगी, इसको प्लेटिंग करेंगी, ठीक है? वो टेबल पे आ जाएगा और हम दिखा देंगे, ठीक है गुड़िया जी? थैंक यू सो मच शेफ मरियम। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और मैं इस वक्त जो है मरियम जावेद ने ड्रिंक बनाई है, बहुत मज़ेदार है। अगर आप अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक करना चाहते हैं, तो देन ज़रूर ये ड्रिंक पिए वेदर के मुनासबत से। लेट्स सी
हम लोगों ने यहाँ पर है अरसे सात रंग आगे फिर यहाँ और गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद करती हूँ। और ये सारी ब्यूटिशियन और वो मतलब पहले ही मेरे पास मौजूद थी और अब फिर यहाँ पर अगेन है। और इनके जब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ब्राइडल प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन आपने देखा और जिन लोगों ने देखा जो पार्टिसिपेटर है आज वो विन किया है, उन्होंने टॉप 10 में टॉप 10 विनर्स की शीट्स मौजूद हैं, तो उनके मैंने नाम भी लिए थे जजेस के जिन्होंने जजमेंट की थी। तो उनमें से एक जज अभी अवेलेबल है तो मुझे बहुत खुशी है कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। ब्रिटिशन उनको देख रही है, उनके दरमियान वो बैठी है क्योंकि उस दिन तो स्टेज पे थी ना वो जजमेंट कर रही थी। तो आज हमारे दरमियान क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने भी एक ग्रास रूट से मेहनत शुरू की है और जो लोग यहाँ से मेहनत शुरू करते हैं ना नीचे से उनकी स्ट्रगल के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है। लेट्स सी, एक अलग कहानी है और आज वो इनको देख रही है तो इनको कहते हैं ना अपना अक्स नजर आता है कि यार एक वक्त मैंने भी ऐसे किया तो मैं आगे बढ़ी और वो और आज वो इनके बारे में बताना चाहती हैं कि इनका फ्यूचर कैसा होगा। किससे मिलवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ अक्सर एक खूबसूरत ब्यूटी आइकॉन को देखते हैं, ब्यूटिशियन में एक बड़ा नाम, क्लासेस दे रही हैं, बहुत बिजी हैं और 17-18 मेरे घर में 18 साल से भी उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कौन है जी? हाँ, ज़ैनी सलोन से शगुफ्ता बाबर। इस्लाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो माशाल्लाह बड़े रंग जमाए हुए आपने माशाल्लाह और ये उस दिन तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था और मुझे तो माशाल्लाह इन सब में ज़हनी नज़र आ रही थी वाकई। मैं जो जो मैं ब्राइडल देख रही थी ना, मैं इतनी खूबसूरत माशाल्लाह इन लोगों ने काम किया और मैं आउट क्लास स्टाइलिंग ड्रेसेस बहुत ज़बरदस्त मेकअप हर चीज़ आउट क्लास थी इनकी और अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनको ज़हनी से भी ऊपर लेके जाए। ये बड़ी बात है कि जजेस जो जजमेंट कर रहा हो कह के और आगे जाएं, ये बड़ी बात है। पीबीआई के प्लेटफॉर्म पे आपने ऑफ कोर्स आपने भी एक अपना कदम रखा और इसमें कोई शक नहीं है ये डिजर्विंग है, टैलेंटेड है और इन्होंने हमारे साथ मतलब वन बाय वन हमने इनको स्टेप दिया तो इन्होंने उसको भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया। बिल्कुल सभी आपका बहुत हाथ है इस पे और मेरा मतलब मुझे आगे लाने में या इन बच्चियों को भी माशाल्लाह कॉन्फिडेंस देने में, मैं तो खुद ये कहती हूँ कि मेरा पहला स्टेप आपके साथ ही था और आखिरी भी आपके साथ ही होगा। नहीं, और अच्छा मैं हमेशा ये कहती हूँ शगुफ्ता और आगे जाओ। हाँ। और ऐसा है तो ये तमाम ब्यूटिशियन है सिर्फ लैक ऑफ इनके अंदर जो था वो टैलेंट हमने नहीं सिखाया, ये खुद स्किल्स इनकी अपनी थी, इसमें कोई शक नहीं और आप लोगों की भी अपनी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ाना और कुछ भी नहीं। हम जो करते हैं हम सिर्फ ब्रिज बनते हैं, मैं हमेशा अपने स्टेज पे यही कहती हूँ कि हम ब्रिज बनते हैं। तो आप लोगों को आगे रास्ते जो मिल रहे हैं आप और आगे जाओ, तो ऑफ कोर्स आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि आप आगे मजीद बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई और फिर आपने तो बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मैं ये फिर बार बार वही बोलती हूँ आपसे, सैबी ने तो वाकई आपको पता है मेरे हस्बैंड तो कहीं जाने भी नहीं देते, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं आप और चैनल पर क्यों नहीं जाती, इतनी माशाल्लाह इतना अच्छा आपका काम है, तो मैं कहती नहीं बस उनको मुझे जो सैबी के साथ ही ज़्यादा मज़ा भी और फिर दूसरे चैनल पे मेरे हस्बैंड नहीं इजाज़त देते ज़्यादातर, वो कहते हैं बस सैबी के साथ, हाँ फैमिली की तरह है सैबी के साथ बस रहो। अच्छा ये तमाम बच्चियों को अब हम वो बात करते हैं, ऑफकोर्स आपने जजमेंट की तो पीबीआई ऑफकोर्स प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री एक ऐसा इदारा है जो क्लासेस कम प्राइजेज में और बच्चियों को आगे रिस्पेक्टफुली अंदाज में, जैसे आज की बैठी हुई है इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम यहाँ पे बैठ के गुफ्तगू करेंगे, अपने लिए भरपूर क्लैप करें, ऐसा कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि चलो जी हमने ठीक है इतनी सारी ब्यूटिशियन में पार्टिसिपेट किया विनर हो गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि सरप्राइज कि हम मॉर्निंग शो में चले जाएंगे उधर हमें इतनी रिस्पेक्ट। तो ये सब इनके एफर्ट थे और पीबीआई इसमें इज अ बिगेस्ट कि वो प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया और वो ब्रिज बना। तो शगुफ्ता क्या कहेंगी कि पीबीआई इस तरह इनके कॉन्फिडेंस में तो ये काम और बढ़ेगा इनका? बिल्कुल बढ़ेगा माशाल्लाह, पीबीआई इतना अच्छा काम कर रहा है नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वैसे तो बहुत और भी बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह हैं ये, लेकिन जो पीबीआई काम कर रहा है ना मुझे नहीं लगता कि वो कोई और कर रहा है। अच्छा वही नहीं लेवल नहीं देखा कि अपर है या डाउन है, नहीं हर बच्ची को प्रमोट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा बड़ी खुशी है, अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे, आपको भी दे, इनको भी दे, सबको दे। अच्छा ये बहुत अच्छी बात की कि हम लोग लेवल नहीं देखते, लेवल नहीं देखते, हम सबसे अच्छी बात आप लोगों की कि ये किस जगह से, हमने किसी ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो कि यार ये कुरंगी से आ रही है, नहीं हमने ये देखा उसका काम कितना और जजमेंट ने
आपने किसी का ना ब्यूटिशियन का नाम पता था नहीं, ना मॉडल का पता था। मीना कोमल यही कह रही थी कि वहाँ पर सिर्फ नंबर दे दिए थे और हमने उसी पर उन्होंने जजमेंट की। आप लोगों ने काम फेयर किया, बिल्कुल फेयर किया। सभी मैं तो शुरू से आपके साथ हूँ, आपको तो पता ही मैं कितनी फेयर वो रखती हूँ। मैं तो नहीं देखती कि मतलब कि अच्छा कुछ क्या होते हैं या इसको फर्स्ट हाँ, कर दो। हाँ, हाँ, कभी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ बीच में आपके एक दफा शो में हुआ था याद है, जो रूम में वो गए थे तो मैंने फौरन वो ऑप्शन किया था नहीं ये चीज नहीं चलेगी। जिसका काम है ना उसको आगे आना चाहिए। नहीं आप पीबीआई के इदारे में कभी ऐसा हुआ कि उनके फाउंडर ने अरशद अली ने नहीं नहीं ऐसा नहीं 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 आप लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। जजिंग में थोड़ा सा मुझे एक दो शो में ऐसा हुआ था। अच्छा हाँ, लेकिन मैंने आपसे जब कंप्लेन की तो फिर आप एकदम से सामने आ गई थी कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत सपोर्ट करती आप इस मामले में। नहीं नहीं कभी भी नहीं आपने वाजिद के साथ, बिल्कुल वाजिद के साथ, रोज के साथ, फरत था, फरत एहसान के साथ, तो बहुत सारे आपने सभी के सबके साथ मैं ऐसे जज रही। लेकिन आपने कभी भी ये देखो कि यहाँ पर कभी भी मतलब फेयरनेस बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। फेयर काम होता है, फेयर काम होता है, बिल्कुल होता है। मैं मुतमईन ये करना चाहती हूँ कि बच्चियाँ ये ना समझे कि शायद हम लोग किसी को रिकमेंड करते हैं जी, जी। और उनको नहीं ऑब्लाइज करते और दूसरों को कहते यार उनको। मैंने स्टार्ट पे कह दिया था हाँ। कि आपको जैसा अच्छा लगता है जो आप, क्योंकि आप सीनियर हो तो आप वैसा ही प्रेजेंट करो। आपको पता है तो मार्क्स देने में वैसे कितनी ज्यादा मैं तो नहीं बिल्कुल भी हर चीज काउंट करती हूँ। गुड गुप्ता, ऐसे ही आप काम करते रहे। और अभी आपको पता है ये तो हमने आपसे बात हो रही थी इनसे और मैं कह रही थी यार ये अहिना भी सुन रही हैं सब समीना। ये सोच हमारी थी ब्राइडल प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन हम स्टूडियो में करेंगे और यहाँ से सब कुछ मूव करके यहीं पर ही जजमेंट हो गया। 20-25 लड़कियाँ थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये पीबीआई के अंदर इतनी जल्दी। जब मुझे सुना 40-60 और मैं कह रही थी कहाँ जा रही है। मैं तो खुद बहुत ज्यादा वो हो गई कि शॉक में आ गई कि आपने तो चैनल पे कहा था। मैंने यहाँ सोचा था और वो जब मेरे पास लास्ट नंबर आया और 101 101 मैंने कहा यार ये तो अभी हमारा फ्यूचर में मेगा 100 है, ये कहाँ से ये हो रहा है। मैं मतलब अच्छा ऑडियंस तो थी नहीं कोई भी, नहीं ऑडियंस का नहीं, सारी ब्यूटीशियन ये बच्चियों का, ये मुझे बाद में पता चला ये स्किल्स का था माशाल्लाह इतना फुल था, इतना फुल हो गया था ना। तो मैं ये सोची मैंने कहा यार अभी तो इन्होंने पता ही है हमारा पांचवा भी ब्राइडल कॉन्टेस्ट होगा मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, तो ये तो ये यार ये तो प्रेजेंटेशन था, ये कहाँ पर ही हो गया। तो मतलब काफी मैं अभी भी मैं सीना सच कह रही हूँ मेरे पास लास्ट में भी कॉल्स आ रही थी, मेरे पास खुद आ रही थी कि ना मुझे आप जाना है। मैं सो रही थी अब कहाँ से, क्योंकि हमारे साथ एक प्रोसीजर होता है कि आपके नेम की शील्ड्स बनती है, ये जो बनी है ना जरा नाजिन के देखिएगा कैमरे पे, ये देखिए ये जो शील्ड्स बनी है ना, ये जो यहाँ पर मेरे टेबल पे पड़ी है, तो ये सारी चीज़ें कैमरे पे फोकस कीजिएगा यस, ताकि मैं जरा बात क्लियर कर दूँ कि इसको कम से कम 1 हफ्ता 4 दिन लगते हैं। ठीक है, आपके नाम जाते हैं देन एक प्रोसीजर होता है, तो ये शीट्स आपके नेम और सलून के नेम से बनती है। ठीक है, अब बाकी तो टॉप विनर तो ऑफ कोर्स वो एक बनी होती है कि ये आपने अवार्ड लेना है वो तो कोई मसला, लेकिन इनके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। अब और मिस मैं कल आ जाऊँ ब्राइड बना के, हाँ व्हाट डू यू मीन, मतलब कि ये गेम है क्या। तो आप लोगों को इसलिए बार बार जो मेंशन किया जाता है कि प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट करना है तो बिफोर कम से कम 15-20 दिन पहले आप हमें मेंटली प्रिपेयर करें, हम आपको गाइड कर सके कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड टाइम पे पता है कुछ ब्यूटिशियन आई हैं स्टोरी मुझे हंसी नहीं, अब परेशान मेरी मॉडल भाग गई अच्छा, ऐसा भी होता है ऐसा कसम से मेरी मॉडल है, और मैंने कहा क्या हुआ क्यों परेशान, वो ऑन द वे है, क्योंकि इसके लिए देखिए मैं रोजाना यहाँ पे मॉर्निंग शो करती हूँ, आप लोग कहते यार सलाम है आपको, आप सोचे आप एक दिन में घबरा गई, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ रिलैक्स, कम से कम 8-9 बजे आप उसमें हॉल में मौजूद हो, आप पहुँच जाए तो अच्छा रिलैक्स है, एज कम्पेयर टू यार अच्छा भी चले जाएंगे निकलते तो वो टाइम यूँ भागता है सुबह का, मैं खुद समझ में नहीं 5-6 घंटे गुजरे कैसे। बिल्कुल, और वर्किंग डेज में तो वैसे ही ट्रैफिक इतना मिल रहा होता है, हर कोई ऑफिस जा रहा होता है, हर कोई काम पे जा रहा होता है, तो उसमें जो है ना आप इतना कंफर्ट जोन में जाके आप बोलेंगे चले पहुंच जाएंगे चले जाएंगे, और आप आराम से नाश्ता कर रहे हैं फिर मॉडल को फोन कर रहे हैं चीज़ें आप करेंगे चले रात को, वैसे आपको रात को ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके सोना चाहिए,
आप कहें नहीं सुबह सारा यही सामान बैग में डाल दूंगी चलेंगे, तो उसमें जो है क्या होता है कि वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सुबह तो सुई की घड़ी यूं भाग रही होती है, पता ही नहीं चलता टाइम का। लेकिन वो जो वो बच्चियां जो जीती हैं, जिनको मैंने कहा था जो 9 बजने में कुछ मिनट और वो पहले पहुंचेंगी, उनके लिए सरप्राइज है, मैं भूलती नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैंने उनके नाम भी लिखे थे। तुम भी नहीं? मैं थोड़ा लेट कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा था खास, और यकीन करें वहां पर 8:30 बजे भी 10-15 ब्यूटिशियन आ गई थी रियली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने वहां पर आके अपना जो भी बच्चों को मेकओवर किया, तो ये जो है ना ये बहुत जरूरी है। देखिए अब उसमें मैं ये कहूँ कि यार मैंने एक कॉम्पिटिशन दिया था, उसमें 90 लड़की नहीं आई, 15 लड़के आ गए, तो ये ऐसा नहीं होता। इसमें देखिए ना उसकी स्ट्रगल, शायद आपसे भी अर्ली उठी हूँ, 7 बजे उठी हूँ, उसने जल्दी से ये चीज प्रिपेयर की। तो कॉम्पिटिशन का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है सीखना। और मॉर्निंग में खवातीन का प्रोग्राम इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों का होता है रनिंग, शुगुफ्ता आप लोगों का काम होता है, आपका 1 बजे सलून ऑन, आपकी वर्किंग, कई मेकअप आ रहे हैं, कोई कलरिंग आ रही है, तो हमारा काम होता है कि हम जल्द से जल्द आपको वाइंड अप करें और आप लोग अपने सलून चले जाएं, आपका बिजनेस ना खराब हो। बिल्कुल, हमारी सोच ही होती है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि अब अगर हम सेकंड हाफ में करेंगे तो वाकई सबका बिजनेस बहुत जो है ना हडल होगा। फिर बास क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो हमारी मौजूदगी को ही वो कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो ये चीज। चलिए मैं एक और लेडी से मिलवाती हूँ, और वो फबिया है, वो कुछ मुझे बता रही थी क्योंकि वो लेट आई थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो वो कुछ स्टोरी सुनाना चाहती है। लेकिन उससे पहले मैं अनाउंस कर दूँ कि इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम लोग जो नाम है मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, अब मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि मुझे अभी सरप्राइज मिला है कि मैं भी 300 होंगी, तो मैंने कहा ये जजेस तो पागल हो जाएंगे, तो 300 मुझे नहीं करनी, मुझे पता चला है कि वो हो जाएंगी, लेट्स सी। तो मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ईद के बाद मैं प्रॉपर इसका एक अनाउंसमेंट करूँगी, मजीद आपको सरप्राइज दे दूँ कि मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट जो है वो आफ्टर ईद और 5th है, 4 हो चुका है, यू आप तो गवाह हैं, 4 तो हो चुके हैं, और लास्ट मैंने 175 की थी, मुझे अच्छी तरह, और जिसके जजेस में फरद एहसान साहब और उसकी और वाजिद थे और शगुफ्ता बाबर थी, तो ये सारे मैंने 175 मुझे अच्छी तरह याद है, तो उसमें टॉप 10 की थी हमने, तो मेरे ख्याल 5 एक्स्ट्रा की थी, मुझे थोड़ा भूल भी गई हूँ, 15 निकाली, क्योंकि हमने 100 के हिसाब से मैनेज करते हैं कि 100 में से 10 होंगी और 150 में 15 होंगी, तो ये होता है। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आती है तो हम उसके मुताबिक करते हैं, तो फिर सोच लें मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट को मिस ना कीजिएगा, फिर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए बबिया की तरफ, बबिया कब से जानते हो पीबीआई आयुष मीडिया को? मैं पीबीआई आयुष मीडिया को तकरीबन 6 से 7 साल पहले से जानती हूँ, मैं उस वक्त टीनेज थी, एक सलोन की तरफ से मुझे मॉडल बनाकर लाया गया था इसी कॉन्टेस्ट में, तो जब मैं इस कॉन्टेस्ट में आई मैंने देखा मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वाओ इतनी सारी ब्राइड, मैं उस वक्त तो मैंने ये बात नहीं सोची थी कि एक दिन मैं भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँगी, अपनी मॉडल लाऊंगी, लेकिन इतने सालों बाद जब मैं इस फील्ड में आई और फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने विन भी किया, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की। जबरदस्त, और ये इन लोगों की अपीनियंस है, सोच रही हूँ एक बात सोच रही हूँ यार, मैं जीती तो आप लोगों तो आप लोगों ने ट्रीट ही नहीं दी, और मैं सोच रही हूँ मैं खुद इनविटेशन ले रही हूँ, अब लफ्ज मेरे निकल नहीं रहे कि मैं क्यों ट्रीट दूँ यार, मैंने तो तुम लोगों को इतना सपोर्ट किया, तो आप लोग ट्रीट कब दे रहे हो मुझे अकेले, आप जब टाइम अकेले खाओगी मुझे तो आपने हमारे काम को देखा, हमारी ब्राइड को देख के और एनालाइज किया और पढ़ा डीपली, तो आपके रिजल्ट से भी वाकई हम बहुत मुतमईन हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा मैंने ऑफ कोर्स जिस तरह शगुफ्ता बाबर ने जज के फ्राइज अंजाम दिए और मैं उन सब का इनका थैंक्स करती हूँ, और जो अभी अवेलेबल नहीं है जैसे मैम शाइस्ता मरगूब साहिबा हैं और मैम निगत ताहिर साहिबा हैं और हमारे साथ थी आरफा सलीम चांडियो, तो ये तमाम इन्होंने बहुत अच्छा ऑफकोर्स बहुत अच्छा, हम मुतमईन हैं, हम बहुत सेटिस्फाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट किया। शगुफ्ता ये बताइएगा कि ऑफकोर्स आगे की जो है जैसे मेरा अभी मेगा 100 भी आ रहा है, ठीक है, और ऑफ कोर्स एक स्ट्रगल चल रही है, और आपका भी फ्यूचर में क्या सोचती हैं कि क्या और मज़ीद
ब्यूटिशियंस में, चलिए जजमेंट की बताएं कि जजमेंट में इनके जहन में चल रहा है कि जजमेंट में देखा क्या जाता है सबसे? देखिए सबसे अच्छा मैंने इनको ये बताया था, सॉरी बता दूं, मैंने कहा कि एक जज होता है ना वो हर चीज नोट करता है, वो देखता है कि इसका बेस कैसा है, फिर वो देखता है कि इसने जो, क्योंकि प्रेजेंटेशन में सब चीजें होती है ना, मैंने वो देखता है कि भाई इसका जो ड्रेसिंग है वो इसके मेकअप से कितना कॉम्बिनेशन, ड्रेस को देखते हैं उसी से आई मेकअप होता है, फिर वो देखते हैं कि इसकी मॉडल ने दुपट्टा कैरी कैसे किया हुआ है, फिर ज्वेलरी कैसे, यानी वो सब चीजें देखते हैं। हाँ सब चीजें देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेकअप देखती हूँ। सही बता रही हूँ मैं? गुड है। मैं सिर्फ मेकअप को ज्यादा कंट्रोल करती हूँ, आईज मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसेस तो होते हैं वो तो जाहिर है, लेकिन मैं कहती हूँ ड्रेसेस आप थोड़े नॉर्मल भी ना, जैसे मेरे सैलून में भी आती हैं बस दफा ड्रेसेस नहीं, उनके ससुराल वाले अच्छा भेजते हैं ना, यानी कि मेकओवर हेयर स्टाइल बहुत बहुत काउंट करता है। आप आपका मेकअप और हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि ड्रेस अगर नहीं अच्छा तो उसको आपका मेकअप बीट कर दो, मार दे, ठीक ठाक है जी। मेरे साथ कौन? जी आयुष बात कर रहा हूँ, पीबीआई से। अच्छा जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम विनर्स को, मेरी तरफ से सलाम, कैसे ठीक ठाक है जी? जी ये पीबीआई अश्विनी के सलाम, जिन्होंने जजमेंट के बारे में अंजाम दिए थे जी, वालेकुम सलाम। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग यहाँ मॉर्निंग शो पे लाइव मौजूद हैं, मेरी दुआ है इन तमाम ब्यूटिशियन से पकाए जो ये 7 लोग बैठे हैं, 3 विनर आए नहीं है और बाकी जो 108 लोग थे, बाकी 98 लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो अपना टैलेंट अपना काम यहाँ आके दिखा सकते हैं। और जो ब्राइडल शो के बारे में ये एक बात शेयर करूंगा कि जो शगुफ्ता बाबर बैठेंगे इनको भी एक दिन पहले बता दें कि जज हैं, कि हमने जजेस को भी नहीं बताया कि आप जज हैं, इसकी वजह से लोग रिलेशन बिल्डअप करना शुरू करते हैं, अगर जजेस का पता चल जाए ना किसी का कौन जज है तो ब्रिटिशन अपनी कनेक्टिंग करती है, तो हम बिल्कुल पॉजिटिव और ऑनेस्ट काम करते हैं, तो जो भी जजेस थे उनको भी वन डे पहले बताया गया आप जज हैं, और ब्रिटिशन को भी ना बताया गया कि वो अपनी जो सिचुएशन देना, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है मैं विनर हो जाऊँ, हर एक कामयाबी के नशे में होता है कि मैं किसी तरीके से विनर हो जाऊं, अपने टैलेंट की वजह से विनर होना है उस पर ज्यादा कामयाबी होती है, जिस तरह हमने ये जो बच्चियों को विनर करवाया है, हमने नहीं जजिस्ट्रेशन किया है मगर इनकी एक्साइटमेंट इनका काम इतना अच्छा है, तो बाकी लोग भी विनर थे, सबको शील्ड इसलिए दी गई कि वो ये अपने दिन में ना रखेंगे विनर नहीं है, बाकी सबका काम बहुत अच्छा था, हर कोई टैलेंटेड था, और ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया था हमने जो 15-20 ब्यूटिशियंस के लिए करना था वो 100 हो गई, तो ये मजाकन सिलसिला अल्लाह ताला ने करम कर दिया, अब मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट बहुत जल्द ईद के बाद कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग अगर सहमत हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा है तो आप आगे शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, कि जो ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका काम बहुत अच्छा है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, वो घबराहट होती है कि मीडिया में जाए तो मीडिया में काम, मीडिया के हवाले से लोग कहते हैं मीडिया में इस तरह की एक्टिविटीज होती है, हमने मीडिया में भी लाके दिखा दिया आपको, आपको प्लेटफॉर्म भी कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव बात दिखा दी है कि आप लोग अच्छे तरीके से भी पॉजिटिव तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, हमें चाहे जैसे तमाम जजेस का, शायस्ता वजू साहिबा का और आरफा सलीम का, अनिकत तार का, शर्मुख्ता का, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने बहुत ऑनेस्टी के साथ जजमेंट की, और मेरी जो टीम थी जिसमें स्पेशल राबिया का और जारा फहीम का, और इनका शुक्रिया करता हूँ, नौरीन का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और शादी का तो मैं चार्जर से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने फेस संभाला, और इसी तरह हम कामयाबी के साथ काम करते रहेंगे, और आप लोगों की दुआएं और सपोर्ट चाहिए, बस दुआएं दीजिए और कुछ भी ना दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बजा लो तालियां, वो आपके अर्श मीडिया फाउंडर है ना, मेरी तारीफ सबसे आखिर में। नो डाउट के वाकई उन्होंने रात में मुझे कॉल की थी, मैं खुद एकदम से बोली थी, मैंने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं बहुत अच्छा से ड्रेस बनाती हूँ, कहा तुम कोई पहनोगी अच्छी लगोगी, आ जाओ। अच्छा ये हकीकत हम लोग ना जजेस को डिस्क्लोज नहीं करते, वो अक्सर लोग पूछते हैं कि जज कौन कर रहे हैं, तो हम कहते हैं नहीं हम नहीं बता रहे, ये सरप्राइज है, वो यूँ होता है कि सही बात है, लोग कनेक्टिविटी करते हैं, यार मिस हमने आपसे सीखा हुआ है, तो वहाँ पर फिर जब एकदम चार जजेस होते हैं ना तो कोई किसी के साथ डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर सबके होते हैं, फिर उनको ऐड किया जाता है, तो जिसका होता है कुर्रा निकल आता है। लेट्स सी, और बात करूँगी मैं यहाँ पर, कुछ मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कुछ गेम खेला जाए, अब आप लोगों को घर में ऐसी डांट पिटेगी ना, मैं अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट कर रही हूँ, रियली अभी देखो, सबसे पहले अच्छा सरप्राइज है, सबसे पहले मैं हिना से बात करूँ, अच्छा आंसर जल्दी देने, इसका मतलब है आपका आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग है और आप दी बेस्ट ब्यूटिशियन है, और जिसने अभी दी बेस्ट होना है उसने यूं करके बात नहीं जमानी, एकदम जवाब दे रहे फौरन, अब मैंने सिर्फ दो सवाल करने, उसके बाद आपकी बारी, उसको अब सोच लें ठीक है। अच्छा हिना कोमल ये बताएं कि अगर आपके कितने भाई हैं?
मेरा कोई भाई नहीं, मैं अकलौती हूँ। अकलौती है? अच्छा, कौन कौन से दो कजन है, नाम बताओ। असद और जुनैद। दो दो अच्छे जो जिनसे बहुत क्लोज जी। दोनों में से सबसे अच्छा कौन लगता है जल्दी से? असद। असद, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दो बेटे हैं मुझे पता है जी। सबसे अच्छा कौन लगता है? ये बहुत मुश्किल है। जल्दी जल्दी, छोटा है वो, मेरा थोड़ा क्लोज है। क्लोज है, ओके। बेटा बड़े बेटे इंसान बन जाओ, आपके नंबर कम हो गए हैं। चलिए जी, हम चलते हैं। प्यारी बहन अफशा, गुड है अफशा? शादी नहीं हुई? नो, शादी नहीं हुई। अच्छा जी, एक होता है बिजनेसमैन, ठीक है, और एक होता है आम सा बंदा, तो दोनों में से किससे शादी करना चाहोगी? लग चुका एक्टर है वो। अच्छा, शादी नहीं हुई है, इन्होंने पहले से ही एक अपना कुरानदाजी में कमेटी डाली है जो निकल चुकी है, सही है ना? अच्छा जी, पाकिस्तान में रहना पसंद करोगी आउट ऑफ कंट्री? पाकिस्तान में। दो दो सवाल है ना, चलिए जी हम चलते हैं। सदब, सदब मैरिड हो? बेटा है, सास भी है, अम्मी है, ओके। नंदे कितनी है? बुरा नहीं मनाइए, कह रहे हो बच्ची हो, बड़ा दिलेर बंदी है, क्या बात है। सब इकट्ठे रहते हो, अलग अलग? सबसे अच्छी नंद कौन है छह में से? सबीन। बाकी वालियां इंसान बन जाए। ओके, नहीं नहीं, मोहब्बत अच्छी है अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा अटैचमेंट है ना। देवर कितने? एक ही, इसको नहीं बोल सकते, छोड़ो यार। अच्छा, किसका ज्यादा सास का ख्याल रखते हो, नंदो का ज्यादा? सास नहीं है, शादी कब हो रही है? इसी साल, लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में कितनी नंदे? दो। दो, दोनों अच्छी हैं? दोनों, दोनों में से कोई एक नाम ले लो जल्दी से। बड़ी वाली, उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है। छोटी वाली कोई गिफ्ट नहीं देना इसको। नहीं नहीं, वो भी बहुत स्वीट है, वो खुद ब्यूटिशियन है। वर्ष भाई कह रहे हैं कि आपको जो है ना माई टच से मेकअप फ्री होगा। मैंने कहा वो खुद ब्यूटिशियन है, वही शादी होगी ना तो वो गिफ्ट दे रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच भाई। शादी कब है? अक्टूबर या फिर नवंबर, या अक्टूबर या नवंबर, दोनों में से। चले जी, बेस्ट विशेस आपके लिए। थोड़ा पुणे जी। अच्छा जी, शगुफ्ता बाबर, बच्चे से पूछा, बच्चों से पूछा चाहिए, कह रही मैं बड़ी हो गई हूँ। समीर, पॉलिटिकल पार्टीज देखते हो, ऑफकोर्स चल रहा है आजकल बड़ा अल्ला गुल्ला लोटे ये वो। अच्छा जी, तीनों में से कोई एक नाम बताइएगा। इमरान खान अच्छा लगता है, बिलावल अच्छा लगता है, या नवाज शरीफ? इमरान खान। ओके, दैट्स गुड, मतलब जो इसकी वो है उसमें बता रहे हैं ना। अच्छा जी, हमारे मरियम नवाज अच्छी लगती हैं या बेनजीर भुट्टो की बेटी अच्छी लगती है? बेनजीर भुट्टो की बेटी तो नहीं कहूंगी, बेनजीर भुट्टो अच्छी लगती है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन। वाओ, जबरदस्त क्वेश्चन को बिल्कुल इसने, मैं असल में जो जिंदा है मैं उनकी बात करती। लेट्स सी। चले, खैर कोई बात। हाँ जी, सो सो के उठ गई। अच्छा, अक्सर यहाँ पर ना सोने आई है, इसने कहा यार मैं जीत गई हूँ, मैं रिलैक्स हो गई हूँ, सोने का। फिर आई मिस इट, की जो लव यू। अच्छा जी, गुड़िया ये बताइए कि आप शादीशुदा नहीं, और कोई रिश्ता तो नहीं? पहले पूछ लो। अच्छा, अभी तो मैं फिर ये क्वेश्चन कर सकती हूँ ना, ड्राइवर चाहिए, नॉर्मल बिजनेसमैन चाहिए, बैंक अकाउंटर चाहिए, किस तरह का बंदा चाहिए? रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल, रेडी वाला चलेगा रिस्पेक्ट। बाजी, मैं आ गया हूँ बाजी। बताओ ना, देखो कितना एंजॉय करवा रही हूँ। वैसे 15 दिन तो करेगा, टेंशन मत लो। करेगा उसको, तुम समझोगे इसको मेरे। Oh my God, हाँ, नजर आ रही है, इतनी रिस्पेक्ट करेगा। देखो ये खाए ना, 15 दिन कम है यार, अभी नहीं 15 दिन नहीं, साल तक, एक साल तक। अच्छा, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, एक साल तक वो आपकी इतनी इज्जत करेगा कि आपको लगेगा दुनिया की खूबसूरत आप ही है। और फिर वही बात है, फिर एक साल बाद फिर आप थोड़ी सी ओल्ड हो जाएंगी, मतलब पुरानी दुल्हन जी। फिर हाँ, सुना तो है, खा लो ना, बोला तो है। क्या बात है, आपने मुझे उस तरह नहीं पूछा जैसे पहले पूछते यार, वो मैं असल में परेशान था ना। अभी सुनो, लाख नखरे दिखाओ,
सर झुकाना पड़ेगा। चले जी बनके दुल्हन हमारे घर। कैसा जबरदस्त सॉन्ग आपके ऊपर फिट किया। अच्छा यानी कि आप रानी बनके रहना चाहती है, तो फिर किसी महाराजा से शादी करनी थी ना जी। नाजरीन आप इस वक्त कोई महाराजा अवेलेबल हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट विथ मी, नंबर है 0315824870। कैसा सलमा जी मुस्कुराए जा रही है मेरी प्यारी बहन, बहुत क्यूट सी। और सलमा आपसे मैं शादीशुदा निकाह हुआ मैं। अच्छा जी कब जा रहे हो अपने ससुराल? इंशाल्लाह बहुत जल्द। कितनी नंदे है? नहीं है कोई भी नहीं है। अरे बहन पहले खा गए। अच्छा कितने देवर हैं? तीन। सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, मतलब केयरिंग होगा? भाभी 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 कौन तो आपके हस्बैंड सबसे बड़े? नहीं सेकंड पे, तो जेठ और फिर देवर हो गए ना। यस, ऐसा ही है। सास नंदे नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। ओके तो आप कब शादी होगी आपकी? इंशाल्लाह इसी से। अरे इसी साल पीबीआई में कितने लड़कियां निकल रही हैं? देखिए पीबीआई में क्या आपके जिनसे निकाह हुआ आपका हस्बैंड ही होगा? यस। तो आधा बोल सकते हैं भी अपने घर में हो तुम, लेकिन ये बताओ ये आधा हस्बैंड जो है ना आपको बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। अच्छा वो क्या इसके बाद वो आपका सैलून चलने देंगे या बंद कर देंगे? ताला लग जाए तो है, उन्होंने कहा है कि कैरी ऑन रहना। गुड वेरी, उनके लिए तालियां। जो भी है हमारे जीजा जी तालियां। और फबिया आपका हस्बैंड मतलब उन्होंने कहा है कि चलाएं? जी इंशाल्लाह। यार यकीन करो बहुत अच्छा लगता है कि आप उनकी उन लड़कियों को जो अपना पूरा सब कुछ छोड़कर आपके पास आती हैं, इतने शौक से उन्होंने अपनी नींदें कुर्बान करके सीखा होता है और इतनी माँ बाप का पैसा भी लगता है कि हमारी बेटी कुछ सीख ले, जितना उनका फ़र्ज होता है वो निभाते हैं। लेकिन जब आप उस घर में जाते हो ना तो वो तोलते जो इस चीज़ में ना उसकी सास या उसकी नंदे या उसके देवर, भाभी किस चीज़ की कमी है? मतलब पैसा और उसके दिल की फीलिंग को आप इधर ऐसे खड़ा कर देते हैं। ऐसा वो बंदी ऐसे आपको देख सोच रही होती है, उस बिल्कुल आपकी तरह उसका दिमाग है, आपकी तरह आपका दिल है, उसी तरह धड़कता है। आप पता है कैसे, मैं बताऊँ, आप ऐसे करके खड़ा कर देते उसको उस चौराहे पे कि वो कहती है यार मेरा मतलब मेरी शादी हो गई, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे, वो इस तरह ऐसे खड़ी हो जाती दोराहे पे और आप उसको मतलब एक से टारगेट समझते हैं कि आप उसको समझते हैं कि पैसा चाहिए तुम्हें तो मैं देता हूँ ना। यानी कि उसके माँ बाप उसको पैसा या उसको एंटरटेन नहीं कर सकते थे, तो आप उसकी ख्वाहिश को मत मारें। वो आपके साथ अगर सिंसियर है तो उसके शौक उसके मुनासिबत से उसको सपोर्ट करें, उसे प्यार करें। वो बिजी है आपको, आपको भी टाइम देगी, उसको समझा दें कि ये मेरा टाइम है, ये मेरी माँ का टाइम है, मतलब उनको भी करें और अपने शौक को भी पूरा करें। तो आप उसके दिल को मत मारें। बहुत मतलब मैं इस चीज़ को बहुत डिसलाइक करती हूँ। तो आगे चल के अल्लाह करें आप लोग सब एक अच्छे घरों में जाएं। अगर वो बहुत अच्छे होंगे तो वो कभी भी आपको डिसहार्ट नहीं करेंगे, आपके दिल की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये तोल दिया ना, तो मेरी नज़र में ये जो पैसों को तोलने वाले लोग होते हैं ना, वो मफाद परस्त और दुनियादार को लोगों को समझते हैं। दुनिया आपकी ये घर के अंदर अपने आप को सोचे कि ये मेरे इनसे मोहब्बत है, वो मेरा ख्याल करेंगे। दुनिया क्या कहती है, दुनिया को छोड़ें ये तो सारी ज़िंदगी बोलती रहेगी। ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है यार, मेरा दोस्त बोलेगा क्यों भाभी को खिला नहीं सकता, ये सवाल उनके दिमाग में। आप पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं ना, लाइक ये यार शौक है तो पूरा करने देना, तेरे अब्बा का क्या जा रहा है। लेकिन ये बोलना बड़ा मुश्किल, उसका बोलना आसान है, आपका बोलना बहुत मुश्किल है। वो तो उसको भी मालूम है आपके पास बड़ा पैसा है, लेकिन वो एक पिच करना ना उसका पीस का मतलब, जिन लोगों से आपकी दोस्ती है ना उनका लेवल ही छोटा है, क्योंकि ये छोटा है। इसको भी बड़ा रखे और इसको भी बड़ा रखे, कहीं नहीं जाएगी औरत, कहीं नहीं जाती। ये देखो 15 साल से कहाँ जाना है, कितने 20 साल से कहाँ जाना है। मैम ये मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर कोई भी कुछ भी आपका साथ ना दे, लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपका सपोर्टर है तो फिर आप कहीं भी नहीं जाते, आप ऊंची लेवल पे ही जाएंगे। आप सिर्फ हस्बैंड साथ होना चाहिए, ये लेवल है ना, देखो मेरा ये सिर्फ
मेरी बैक सपोर्ट है। और अल्लाह का शुक्र है कि अगर हस्बैंड सिंसियर हो ना औरत के साथ, तो औरत भी, मैं कहती हूँ, उसका कहीं माइंड ही नहीं होता। बिल्कुल, ये बात तो है कि आप जब शादी से पहले लड़की जब अपने घर में होती है तो कोई खानदान का या वो कोई आपका जानने पहचान वाला कोई आपको सपोर्ट नहीं करता सिवाय आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली के, ठीक है। अब जब आप जो है आप अपने ससुराल जाते हैं तो वहाँ पर भी ये नहीं कि पूरे ससुराल से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें साथ देंगे या हमें मोटिवेट आगे जाने के लिए हमें मोटिवेशनल जो है ना वो एक मॉरल सपोर्ट देंगे। लेकिन ये होता है कि आपके हस्बैंड अगर आपके साथ हैं, आपके साथ सिंसियर हैं, तो वही बहुत होता है। तो बस उसका ही साथ होना तो औरत जीत जाती है। और हकीकत है, वाकई में औरत जीत जाती है। और वो अकेली नहीं, वो ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के लिए विनर होती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और कोई कोई अगर मैसेज वन बाय वन देना चाहे, इंटरेस्टेड हो, शगुफ्ता जाते जाते आने वाली ब्यूटिशियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? चाहूँगी कि आपके साथ कोऑपरेट करें, आपके साथ काम करें। गुड। और माशाल्लाह अच्छा तो काम इतना ज़्यादा कर रही हैं कि मैं उस दिन तो मैं ब्राइडल को देख के, एक एक ब्राइडल को देख के कि मैं हैरान हो गई कि इतना अच्छा वर्क कर रही हैं। और मज़ीद मतलब और भी क्लासेस लें वो, खैर कुछ उसमें ऐसी भी थी कि जिनकी कुछ चीज़ें मिसिंग थी, कमी थी, तो उनको मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस वगैरह अटेंड करें। मैं अपने इंस्टीट्यूट में मैं फ्री क्लासेस देती हूँ, आपको पता है ना, मंथ में वन मंथ में वन क्लास देती हूँ मैं फ्री। आप जरूर मेरे पास आएं या कहीं भी और जाएं, लेकिन क्लासेस वगैरह सीखने का अमल कभी भी ना रोके। चले जी, टाइम हो गया खत्म। शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया, समीना आपका, एंड अक्सर होती हुई सलमा और हिना एंड अफशीन एंड सदा फैन फबी, आप लोग सबका लव यू, खुश रहो, आबाद रहो आप लोग भी। चले जी हम चलते हैं। और मैं फिर इनकी बात, शगुफ्ता बाबर ने कहा कि सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता और हमें सीखते रहना चाहिए। आप यहाँ पर जैसे बहुत सारी ब्राइड्स थी, तो उधर से बहुत सारी ब्राइड्स ने दूसरी ब्राइड्स को ब्यूटिशियन ने देखा, तो भी सीखने का, कहीं पर भी जाते हम सीखते हैं। और एक और बात लास्ट में कहना चाहूँगी कि ब्राइडल प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन है, मुकाबले का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि मैं जीत के आऊँ। मुकाबले का मकसद होता है सीखना और आगे बढ़ना और आगे से आगे जाना, ठीक है। तो ये ज़िंदगी में याद रखिएगा, कुछ लोग ये सोच के ही निकलेंगे कि मैं जीत के आऊँगी तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, वो ये कि मैं सीख के आऊँगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में लक जिसका साथ दे दे तो कहीं से कहीं हो जाता है। तो डोंट यू वरी, जितनी हैं बच्चियाँ हैं जिन्होंने ये ब्राइडल प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन्होंने विन किया उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जाते जाते बताऊँगी कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द PBI अर्श मीडिया आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट आफ्टर ईद। तो अगर आप लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है अभी से ही, 03158248704 पे आप कॉल करिएगा और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और ये शेफ मरियम जावेद ने जो डिश बनाई है, मैं जाते जाते कहूँगी एक बार उसको भी आप देख लें। एंड थैंक्स फॉर मरियम और थैंक्स फॉर क्रिस्टन एंड फरा, बहुत शुक्रिया। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।